इटरनल्स मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक हैं, और जैसा कि हमें ट्रेलर में दिखा दिया गया है कि इटरनल्स बहुत टाइम पहले ही अर्थ पर आ गए थे, फिर भी उन्होंने एमसीयू के किसी भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जब थैनोस अर्थ पर आया तब भी इटरनल्स एवेंजर्स की हेल्प करने के लिए सामने नहीं आए, तो अब क्यों इटरनल्स हमारे सामने आ रहे हैं? तो ये खतरा क्या थैनोस से भी बड़ा है? तो आज हम इसी चीज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इसीलिए आज हम इस टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो ब्रेकडाउन को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो बिना किसी देरी के आज के इस ब्रेकडाउन को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इटरनल्स की, तो इटरनल्स को सेलेस्टियस ने बनाया था। सेलेस्टियस यूनिवर्स में अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इसी बीच सेलेस्टियस ने ह्यूमन डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और हमारे सामने आए डिविएंट। ये बींग्स बहुत ज्यादा इविल थे, लेकिन सेलेस्टियस ने और बेटर तरीके से ह्यूमन डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ और हमारे सामने आए इटरनल्स। ये बींग्स दिखने में तो ह्यूमंस के जैसे थे और ये उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन डिविएंट्स हमेशा से ही इटरनल्स के दुश्मन रहे हैं, जबकि डिविएंट्स इमोर्टल नहीं है और थैनोस भी डिविएंट्स में से एक था। टीजर के फर्स्ट शॉट में ही हमें दिखा दिया जाता है कि इटरनल्स बहुत टाइम पहले ही अर्थ पर आ गए थे। तब तक ह्यूमंस ने अर्थ पर सरवाइव करना नहीं सीखा था, इटरनल्स ने इंसानों को अर्थ पर सरवाइव करना सिखाया। और जब ह्यूमंस ने सीख लिया अर्थ पर सरवाइव कैसे करना है, तो इटरनल्स ने उनकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, इसलिए वो एवेंजर्स की हेल्प करने के लिए भी नहीं आए थे। लेकिन इटरनल्स को बनाया ही इसलिए गया था कि वे डिविएंट्स से ह्यूमंस को सेव कर सकें। पर जब इटरनल्स के दुश्मन डिविएंट्स में से एक थैनोस अर्थ पर आया, तो इटरनल्स थैनोस को रोकने के लिए भी दुनिया के सामने नहीं आए। और अब इस चीज का रीजन मार्वल वालों को मूवी में एक्सप्लेन करना होगा, एंड अगर मार्वल वाले ऐसा करते हैं तो फिर पॉइंट ये है कि इटरनल्स इतने टाइम से क्यों छुप रहे थे, वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आए। तो जो खतरा इटरनल्स मूवी में आने वाला है, क्या वो थैनोस से भी बड़ा खतरा था जिसकी वजह से इटरनल्स दुनिया के सामने आएंगे? इस चीज के बारे में तो हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगा। वैसे तो इटरनल्स की पावर का सोर्स कॉस्मिक आर्मी है, पर हर एक इटरनल्स अपनी अपनी पावर को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करता है। चाहे हम बात करें सर्सी की, जो मेटल और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है, इसके अलावा सर्सी किसी मोर्टल के माइंड तक को भी कंट्रोल कर सकती है। वहीं एग्री सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इटरनल है, एंड इस कैरेक्टर की कॉस्मिक पावर्स बहुत हद तक सुपरमैन से सिमिलर है। एक्रिस के बाद बात करते हैं एथिना की, जिसके बाद हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाता है एथिना का, जो कि अपनी कॉस्मिक पावर को मैनिपुलेट कर किसी भी वेपन के अंदर चैनलाइज कर सकती है। एंड कुछ फैन थ्योरी के हिसाब से कहा जा रहा है एथिना ही थैनोस की कजन है। तो आप लोगों को क्या लगता है, एथिना थैनोस की कजन है या नहीं, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेटोस की, तो ये अपनी कॉस्मिक पावर को यूज कर इटरनल्स के लिए वेपन्स बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एजाक की, तो इटरनल्स की लीडर है, जो अपनी पावर को यूज कर किसी भी इटरनल से मेंटली कॉन्टेक्ट कर सकती है, एंड ये इटरनल्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्राइट की। ये वैसे तो एक बच्ची है, पर इसकी कॉस्मिक पावर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। स्प्राइट की पावर्स बहुत हद तक सर्सी के जैसी है, क्योंकि एक बच्ची है तो ह्यूमंस इसे बच्ची की तरह ही देखते हैं, और इसीलिए स्प्राइट को ह्यूमंस पसंद नहीं है। तो अगर आप लोग क्विकसिल्वर को मिस कर रहे हो, तो एमसीयू ने इसकी थोड़ी सी कमी दूर कर दी है। इटरनल्स के ग्रुप में मकारी बहुत ज्यादा फास्ट है, ये अपनी कॉस्मिक पावर को यूज कर सुपर स्पीड में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट बन जाती है। इसके अलावा मकारी इंसानों के साथ रहना सबसे ज्यादा पसंद करती है। और अगर हम बात करें ड्यूरिंग की, तो बेसिकली ये किसी के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ड्यूरिंग का कैरेक्टर थोड़ा सा इविल है। ये कॉमिक्स अंदर हमें डिविएंट्स की हेल्प करता हुआ भी दिख चुका है, एंड टीजर के अंदर भी हम देख सकते हैं इसने बहुत सारे इंसानों के माइंड को कंट्रोल कर रखा है। एंड लास्ट में बात करते हैं किंगो की, जो अपनी कॉस्मिक एनर्जी से एनर्जी प्रोजेक्शन या एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इटरनल्स मूवी के अंदर किंगो एक बॉलीवुड स्टार है। इसके अलावा किंगो अपनी हर एक एक्टिविटी को कैमरे में रिकॉर्ड कराता है, इस सब के लिए उसने अपना एक असिस्टेंट रख रखा है। और किंगो के असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहे हैं हर्ष पटेल, जो कि एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं, और ये किंगो की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब बात करते हैं टीजर की। टीजर के अंदर सर्सी और इटरनल्स इंसानों को गाइड कर रहे हैं, वो उन्हें खाना बनाना सिखा रहे हैं, हथियार बनाना सिखा रहे हैं, और उन्हें खेती करना सिखा रहे हैं। और इंसानों को ये सब सिखाने के बाद इटरनल्स उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। एंड टीजर के एक सीन में हम देख सकते हैं एथिना के कैरेक्टर को, जो कि अपने वेपन के साथ प्रैक्टिस कर रही है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमंस इंटरनल्स को अपना गोल मानते हैं। और एक सीन में हम सर्सी और एरिक्स को इंडिया में शादी करते हुए भी देख सकते हैं, जिसके बाद हमें फर्स्ट लुक दिखाया जाता है ब्लैक नाइट का,
जो कि सर्सी के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और जो लोग ब्लैक नाइट के बारे में नहीं जानते, मैं उन लोगों को बता दूं, ब्लैक नाइट के पास एक सोल्ड होती है और इस सोल्ड को मैजिक या किसी भी एनर्जी से तोड़ा नहीं जा सकता और ये सोल्ड ब्लैक नाइट से कितनी भी दूर हो। तो अगर ब्लैक नाइट इस सोल्ड को समन करता है तो ये सोल्ड ब्लैक नाइट के पास आ जाती है और टाइम के साथ इसका विल्डर बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है। एंड हम इसी सीन में देख सकते हैं कि अर्थ पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है जिसका सामना ब्लैक नाइट और इटर्नल्स मिलकर करेंगे। और ये खतरा क्या है वो तो हमें ट्रेलर के अंदर ही पता चलेगा। एंड टीजर का लास्ट सीन एक फनी मोमेंट के साथ खत्म होता है जहाँ पर ये लोग आपस में ही बात कर रहे हैं कि कैप्टन और आयरन मैन के जाने के बाद अब एवेंजर्स को लीड कौन करेगा, जहाँ पर एक्रिस कहता है कि वो एवेंजर्स को लीड करेगा और एक्रिस की बात सुनकर वहाँ पर सब हंसने लगते हैं। लेकिन एवेंजर्स को इनमें से कोई भी लीड नहीं करने वाला। तो आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड इस टीजर से रिलेटेड कुछ भी डिटेल अगर मुझसे मिस हो गई हो तो वो डिटेल भी मुझसे नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।